हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके ऑनलाइन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाई कोर्ट में कई पदों पर वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। ये सभी राज्यों के लिए वैकेंसी, अगर आप इच्छुक हैं दोस्तों अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। ये इलाहाबाद के हाई कोर्ट में दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है। चलिए हम आपको बताते हैं क्या योग्यता है अप्लाई करने के लिए। तो आप सबसे पहले देख पा रहे हैं, पहली पोस्ट यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए दी गई है दोस्तों। यहाँ पर जो योग्यता है 10वीं पास के लिए भी है, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबके लिए वैकेंसी है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए दिया गया, और इसका क्या है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया है ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सीसी का सर्टिफिकेट दिया गया है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट जो कि डोएक से इशू होना चाहिए दोस्तों। तो आपके पास सीसी का सर्टिफिकेट होना भी चाहिए, और यहाँ पर टोटल पोस्ट नंबर दिया गया है, और यहाँ पर एज दी गई है 18 से 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पर आपका वेतन दिया गया है। दूसरे नंबर पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, दिया गया है जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की पेड यहाँ पर क्या है कि वैकेंसी दी गई है। उसके लिए क्या करना है, आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, और आपको फिर से सीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोएक से इशू होना चाहिए, और यहाँ पर टाइपिंग भी मांगी गई है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट्स के लिए। हिंदी में 25 वर्ड और अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होना चाहिए। 1 मिनट में 25 वर्ड हिंदी के लिए, 1 मिनट में 30 वर्ड अंग्रेजी के लिए। तो जो लोग एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया जॉब है, और क्या है कि टाइपिंग भी उनकी अच्छी खासी होगी, और वो निकाल सकते हैं इस जॉब को। और यहाँ पर वैकेंसी का नंबर दिया गया, कितनी वैकेंसी हो, यहाँ पर एज दी गई है 18 से 40 वर्ष, और यहाँ पर आपका वेतन दिया गया है। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर आते हैं, तो दिया गया है ड्राइवर की वैकेंसी दी गई है, जो कि हाई स्कूल पास होना चाहिए दोस्तों, बट इसके लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस, यहाँ पर ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए 3 साल का। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आपकी पोस्ट दी गई है, फिर से 18 से 40 वर्ष आपकी एज दी गई है, उम्र सीमा, उसके बाद यहाँ पर आपकी सैलरी दी गई है। फिर यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। आप देख पा रहे हैं जूनियर स्कूल, यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल आपको मतलब 10th पास होना चाहिए, जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी दिया गया है आपको, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर कोर्स से इंडस्ट्रीज से। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हाई स्कूल दिया गया है। और उसके बाद हम आपको बता दें, ये वैकेंसी की टोटल नंबर दिया गया है, कितनी वैकेंसी है, और 18 से 40 वर्ष आपकी आयु सीमा दी गई है। और हम आपको बता दें यहाँ पर आपकी जो सैलरी दी गई है। उसके बाद यहाँ पर फिर क्या है कि तीसरी वैकेंसी है, आप देख पा रहे हैं ऑर्डिनरी की है, प्यून की है दोस्तों, उसके बाद ऑफिस प्यून की है, और यहाँ पे फ्रास की है। चलिए हम आपको नीचे दिखा देते हैं, आप यहाँ पर कम समझ पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया है। अब यहाँ पर हिंदी में देख पा रहे हैं दोस्तों, प्रोसेस सर्वर की है, अर्दली चपरासी, कार्यालय चपरासी, फ्रास की है, चौकीदार, वाटरमैन, सुपर माली, कुली, भिस्ती, लिफ्टमैन, सुपर कम फ्रास की है दोस्तों। यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपकी हाई स्कूल होना चाहिए, जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए, जूनियर हाई स्कूल, यहाँ पर 6वीं क्लास होनी चाहिए, देख पा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर आपकी सैलरी दी गई है, और आपकी उम्र सीमा वही होगी 18 से 40 वर्ष। तो आप इस तरह से अगर आप इच्छुक हैं फॉर्म के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। और हम आपको यहाँ पर दोस्तों बता दें कि इसकी जो ऑनलाइन डेट है 6/12/2018 है, तो ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुकी है, और इसकी लास्ट डेट 26/12/2018 है दोस्तों। इस ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप सरकारीरिजल्ट.com जानते होंगे, सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट, तो वहाँ पर इसका ऑनलाइन हो रहा है, वहाँ से जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं ऑनलाइन फ़ीस क्या है आपकी। जैसे कि उत्तर प्रदेश के सामान्य कैंडिडेट लोग हैं, उनको 500 रुपये दिया गया है, और जो कि SC ST हैं या जो अन्य जाति हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, उनके लिए 400 है दोस्तों। बट अदर स्टेट के जो लोग हैं उनको 500 ही चलान का भुगतान करना पड़ेगा, जो अदर स्टेट से बिलोंग करेंगे। इसी तरह दोस्तों दूसरे पोस्ट के लिए भी वही सेम चलान है, 400 रुपये है दोस्तों, और उसके बाद 300 रुपये है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। इस ऑफिशियल लिंक दोस्तों क्या है कि जो ये आप देख पा रहे हैं, इस PDF को, ऑफिशियल PDF को आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप इस ऑफिशियल PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों इच्छुक हैं इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है, कोई बात नहीं है दोस्तों, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो।